वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बैठी हूँ कंबल में आराम से फिलहाल। और सर्दियों का तो बस यही काम होता है कि कंबल लो, आराम से लेट जाओ, बैठ जाओ बस, और कुछ कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फिलहाल आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, शाम रात रात से स्टार्ट कर रही हूँ, करीबन 8:30 बज रहे हैं। और मैंने सोचा चलो, बहुत दिन हो गए मेरी आपसे बात नहीं हुई है। एक तरीके से पूरी सर्दी निकल गई और मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करी, इतनी छोटी सी बात नहीं करी। क्या करूँ यार, मजबूर थी कि वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैं सुबह से ही तैयार हुई थी, बस मेरा ये भी उतर गया है ना। चलो अभी थोड़ी देर में लगा लूँगी दोबारा से। मुझे ना हमेशा अपना सिंदूर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बस यहाँ पे दिखता रहे, और बहुत अच्छा फील होता है। खैर, और आप सब कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं। मेरी तबीयत पहले से बेटर है, जो मेरी एलर्जी हुई थी इसका आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्का हल्का निशान है, ठीक है। तो ये एलर्जी यहाँ काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, और यहाँ पर भी है अभी, थोड़ा थोड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं होता, पर काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है ये एलर्जी। हाथ मेरे ये वाले क्लीन हो गया है, 1 मिनट। और ये वाले हाथ में यहाँ देख सकते हो, बीच में बिल्कुल यहाँ, और थोड़ी सी उंगली पर है यहाँ पर, बस अब यही रह गया, और बाकी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो वीडियोस को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगी। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, दिल तो नहीं करता कि ठंड में हाथ भी बाहर निकालूँ, बट फिर भी मेरे बहुत दिन हो गए आप लोगों से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना यार। जो जिस चीज़ की आदत पड़ जाए और फिर वो चीज़ ना करो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस अब वीडियोस कंटिन्यूस कर दूंगी मैं। प्लीज़ जैसे हमेशा प्यार देते हो वैसे अपना प्यार बनाए रखना, वीडियोस को लाइक करते रहना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, देखते हैं आगे क्या करती हूँ। अभी फिलहाल मैंने डिनर तो किया नहीं है, तो डिनर करते हैं चलिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में आके मैंने सबसे पहले जो अपनी सोयाबीन की वड़ियाँ डाली थी भिगो के, उसको चेक किया तो काफ़ी हद तक भीग चुकी थी। तो अब मैं लगाऊंगी झोंक यानी तड़का। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन डाल के नॉर्मल सा बनाती हूँ। ज़्यादा नहीं चटपटा बनाती मैं, क्योंकि मनराज ने भी खानी होती है, हम सब ने खानी होती है, तो ज़्यादा चटपटा नहीं, नॉर्मल रखती हूँ मैं। तो जल्दी से बस अब छौंक लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा पानी गिर गया था सेल्फ़ पे, वो भी यहाँ से साफ़ कर दिया मैंने। तो मम्मी ने दोपहर में बनाए थे आलू के पराठे, तो उबले हुए आलू पड़े थे, तो मैंने दूसरे आलू नहीं कट करे, उन्हीं आलू को यूज़ कर लिया। तो जो सोयाबीन की वड़ियाँ थी वो भीग चुकी थी, वो उसको डाल के और आलू उबले हुए डाल के बस नॉर्मल सा बना दिया मैंने जल्दी से। और जब तक सब्जी बन रही थी तो मैंने कहा दो चार बर्तन हैं, चलो ये भी धो देती हूँ, फिर उसके बाद डिनर के ही सिर्फ बर्तन रह जाते हैं, वो हम बाद में खाना खाने के बाद जो दो चार होंगे वो उस टाइम धो दूँगी मैं। तो बस यही था आज का मेरा डिनर का रूटीन। और डिनर में दो दो रोटी भी बना दूँगी साथ में, चावल तो मैंने रख ही दिए थे, आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी और चावल, बस आज का डिनर हमारा ये था। और डिनर के बाद हम लोग यहाँ पे निन्नी करने के लिए तैयार थे। सॉरी मैं डिनर आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी, तो हम फटाफट बस खा के और लेट गए। तो सोने से पहले आजकल हम मनराज की थोड़ी सी मालिश करते हैं, तो बस अब पहले मालिश करूँगी इसकी और उसके बाद में हम सोने तो चले गुड जाएंगे। मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी फ़िलहाल मैं मनराज को छत पे छोड़ के आई हूँ, धूप बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब मैं तैयार होके अब मैं जाऊँगी छत पे धूप के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं हाई लेवल पे ठंड पहुँच चुकी है। तो धूप थोड़ा सा खाना बनता है, मैंने कभी खा, मैं धूप में बैठती नहीं हूँ, मैं सही बताऊँ मैं धूप में बैठती ही नहीं हूँ। मैं भाई कभी बैठ भी जाऊँ ना तो यहाँ से ढक इस तरीके से चलता है, लेकिन अब की जो मैं धूप में जाके बैठ रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को फेस को कवर नहीं कर रही, अपने आप को कवर नहीं कर रही, प्रॉपर जो है हीट मेरे
स्किन पे पहुंच रही है और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है उस टाइम पे। इस धूप में बैठना काफ़ी हद तक अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट इससे मिला है। तो आराम से बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी कि धूप में बैठना क्यों अच्छा है, किस लिए। तो क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी यही बताया था कि आप थोड़ा सा धूप में भी बैठें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार ऊपर छत पे जाने के लिए। मैंने रूम क्लीन कर दिया, यहाँ पे बस ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको उठा के किचन में रखना है, अदरवाइज सब काम निपट गया है। तो चलिए चलते हैं छत पे। फिलहाल मैं हो चुकी हूँ तकरीबन तकरीबन तैयार और मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के लिए मैंने पहले ही पानी वानी चढ़ा दिया था, और मेरे को वैसे भी जो चाय दूध वाली पीना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। मेरे से दूध कहाँ लगा है, वो टेढ़ा लग गया। तो मुझे जो चाय पीना है वो बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली मना है, और मैं सिर्फ पीती हूँ दूध वाली चाय नहीं पीती मैं सिर्फ पीती हूँ नॉर्मल ब्लैक टी, और वो भी बन रही है। मम्मी के लिए अलग से दूध वाली बनेगी और मेरे लिए बनेगी ब्लैक टी। पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था सही में, ये वाली चाय पीना बिल्कुल बकवास सा लगता था, नहीं पीनी मेरा नया। तो दो चार दिन थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ गई कि हाँ। तो थोड़ी सी इसके साथ में मैं मनराज और अपने लिए थोड़ी सी फुलवड़ियाँ मैं कैसे समझाऊँ, छोटे वाले पापड़ टाइप उसको बना रही हूँ साथ में। तो चलिए बनाते हैं। ये रही मेरी ब्लैक टी, ठीक है, और मम्मी की चाय ये रही। अब इसमें दूध डाल देती हूँ जल्दी से। पहले मैं चाय पत्ती डालती हूँ, दिमाग से डेली निकल जाता है, क्योंकि इसमें मैंने लाइट डाली हुई है चाय पत्ती। अगर मैं चाय पत्ती ज़्यादा डालूँगी अपनी वाली में तो फिर इसमें बिल्कुल कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, इसलिए जो है मुझे इसमें भी थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करनी है। ये थोड़ी उबल जाएगी, उसके बाद मैं इसमें दूध, तो इसमें फिर दूध ऐड कर दूँगी। फिलहाल अभी थोड़ा सा पक जाए। तो मेरी यहाँ पे चाय बन गई थी, मम्मी की भी चाय काफ़ी हद तक उबल गई थी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने अपनी जो फुलवड़ियाँ हैं वो निकाली, क्योंकि मनराज और कैंडी भी बहुत खुश होके खाते हैं। तो मम्मी की यहाँ चाय बन गई थी, चाय डाली मैंने, और अपनी तो मैंने पहले ही डाल ली थी। तो बस अब चलते हैं छत पे और देखते हैं दोनों दादी पोता क्या कर रहे हैं। और मेरी चाय आप देख सकते हो ब्लैक टी और मम्मी की चाय, लेकिन अब मैं छत पे जा रही हूँ, देखती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तो कैंडी मेरा इंतज़ार कर रहा है फिलहाल, और ये रे दोनों दादी पोता आराम से बैठे हैं, और ये रही हमारी चाय। अभी फ़िलहाल धूप आना स्टार्ट ही हुई है, और ये देखो कैंडी पता नहीं वहाँ बैठ के किसका इंतज़ार करता रहता है बाहर। हम लोग इंजॉय करते हैं चाय, और कैंडी इंजॉय करता है अपनी पापड़ फुलवड़ियाँ सी, इसको यही अच्छा लगता है, और ये मेरा वेट करता रहता है कि कब चाय लेकर आएगी और फुलवड़ियाँ लेकर आएगी। यहाँ मनराज दादी के साथ खेल रहा है। हम लोगों ने चाय पी ली और मैं आराम से धूप में बैठी हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो इतनी ही है, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करके कल आप लोग को नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।